तकरीबन मैं 4-5 बार चक्कर लगा चुका हूँ और 4-5 बार ये हजूरी बाग जो है ये बंद होता है। कभी भी इन्होंने हजूरी बाग ऑन नहीं किया, पता नहीं ये चाहते क्या है। सही मजदूर ना, तो मेरे ख्याल से इन्होंने न्यू कलर किया इसलिए ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हो गई। इन्होंने कलर वगैरह किया हुआ है बादशाही मस्जिद को, पहले तो नहीं थे, अभी मेरे ख्याल से इसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है बादशाही मस्जिद का। अभी सीढ़ियाँ चढ़ के फिर जा रहे हैं बादशाही मस्जिद की तरफ। आप भी इसका व्यू देखते जाएं, प्यारा प्यारा व्यू और माशाल्लाह सुभान अल्लाह का वर्द कर लें, इतनी प्यारी मस्जिद। बादशाही मस्जिद के गेट से जैसे ही इंटर होते हैं ना, इस साइड पे आपको ये वजू खाना देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग आते हैं वजू वगैरह करके ना, तो फिर बादशाही मस्जिद के अंदर जाते हैं। जैसे फिर आपको आए ना तो ये बड़ी प्यारी जगह, यहाँ से आपको बड़ा प्यारा व्यू देखें। ये अल्लामा इकबाल की मज़ार है और वो शाही किला, ये फिर आप देखते जाओ खूबसूरत से मकामात। ये फिर यूं ही आप बादशाही मस्जिद का विज़ा करें माशाल्लाह। अच्छा, बादशाही मस्जिद पे ना काफ़ी ज़्यादा मस्जिदें बनी हुई, जिनमें एक बहावलपुर की मस्जिद भी है, जामिया मस्जिद अब्बासिया, वो भी अगर हम उसकी बात करें तो वो भी बादशाही मस्जिद के तर्ज पर ना तामीर की गई है। ये जी बादशाही मस्जिद को जाने का जो रास्ता है ना, ये ने दरमियान में कालीन वगैरह बिछाई हुई है। अगर ये कालीन ना हो ना तो मेरे ख्याल से बादशाही मस्जिद तक रसाई नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त जितनी गर्मी है ना, इस फर्श पे चलना बड़ा मुश्किल है। पर अगर थोड़ा सा आप पाँव भी रखें ना, आपके पाँव जल जाएंगे। लेकिन माशाल्लाह ये कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। बाहर आपने देखा होगा जो बाहर वाला दरवाज़ा है ना बादशाही मस्जिद का, वो रेनोवेट हो रहा है, उस पर भी न्यू कलर माशाल्लाह वो तो चार चांद लगा दिया। यहाँ पर वो सामने आप देख सकते हैं ये काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये सामने सारा कुछ वो थोड़ा सा। अच्छा, लोग यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग रोज़ाना आते हैं, फिर ये कि वज़ू वगैरह करके बादशाही मस्जिद में आके नवाफिल अदा करते हैं, अल्लाह के यहाँ सजदा रेज़ होते हैं और यहाँ पे आके दुआ वगैरह मांगते हैं। अच्छा, अभी मस्जिद से तो आ गए हैं। अच्छा, बादशाही मस्जिद का ये है ना कि ये 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने लाहौर में ये बनवाई थी, और ये अजीम शान मस्जिद मुग़लों के दौर की एक शानदार मिसाल भी है और लाहौर शहर की शनाख्त बन चुकी है। अच्छा, इसकी बड़ी बात ये है कि फैसल मस्जिद के बाद ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है, जिसमें एक वक्त में तकरीबन 60,000 नमाजी यहाँ पे बआसानी नमाज अदा कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो फैसल मस्जिद है और दूसरे नंबर पे ये बादशाही मस्जिद है। ये जी अभी क्योंकि सूरज उस तरफ आ चुका है, यहाँ पे ना वो वाली जगह आपको नज़र आ जहाँ पे ये छमियाने टाइप, सराकी में तो छमियाने ही कहते हैं, तंबू, यहाँ पर तो बरकत रखे गए मतलब कुरान पाक के कुछ नुस्खे जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड भी हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ तबरुकात वगैरह रखे गए हैं, जहाँ मतलब जो भी हैं फिर आपको उधर चल के दिखाते हैं। आई थिंक कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। बादशाही मस्जिद का विजिट हुआ जाता है कंप्लीट। किसी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।